नमस्कार साथियों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आपके इस माह में एसआई कटौती के अंतर्गत जो स्लैब में परिवर्तन किया है उसके तहत जिन साथियों का प्रोबेशन हाल ही में कंप्लीट हुआ है उनको एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन करना है। इसके अलावा जो साथी पहले से जिनकी एसआई कटौती चल रही है उनको एसआई फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि हाल ही में भविष्य निधि विभाग के द्वारा अपनी एसआई की जो स्लैब है उसको कुछ चेंज किया गया है। इसके लिए तमाम अपडेट्स के लिए लगातार जुड़े रहिए आज इस वीडियो के साथ में अंत तक, क्योंकि हम आपको संपूर्ण रूप से लाइव बताने वाले हैं कि आखिर आपको अपना फर्दर कॉन्ट्रैक्ट और फर्स्ट डिक्लेरेशन किस प्रकार से करना है। इसी के साथ में साथियों, आप देख सकते हैं कि जो एसआई की और जीपीएफ कटौती की जो स्लैब बदली गई है भविष्य निधि विभाग के द्वारा वो किस प्रकार से होने वाली है, उसमें यदि हम एक दृष्टया देखें तो जिन साथियों की तनख्वाह 22,000 तक जिनकी बेसिक है उनको 800 रुपये, 22,000 से 28,500 जिनकी बेसिक है उनको मिनिमम 1,200 रुपये, और 28,000 से 46,500 जिनकी बेसिक है उनको 2,200, 46,500 से 72,000 तक जिनकी बेसिक उनको 3,000, और 72,000 से 1,10,000 तक वाले जितने भी कर्मचारी हैं उनको मिनिमम 5,000 और इससे ऊपर वालों को मिनिमम 7,000 एसआई कटौती के रूप में करवाने होंगे। इसी प्रकार आप इस जीपीएफ कटौती की तालिका को भी देख सकते हैं। इसके अलावा आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो, इसके लिए आप हमारे यहाँ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ जा करके आप हमारी इसकी पीडीएफ को भी देख सकेंगे। अब हम साथियों चर्चा कर लेते हैं आज के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आखिर आपको अपना एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन और फर्दर कॉन्ट्रैक्ट किस प्रकार से करना है। इसके लिए सर्वप्रथम आपको एसएसओ की वेबसाइट पर चला जाना है। सबसे पहले यदि आप अभी तक आपने एसएसओ में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आप एसएसओ में रजिस्ट्रेशन अवश्य करवा लीजिए। यदि आपने अभी तक एसएसओ रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो इसके लिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपको एसएसओ रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट प्रक्रिया जरूर बताएंगे। आपको यहाँ पर अपना RJAL वाला जो एम्प्लॉय आईडी वो डालना है, इसके नीचे आपको यहाँ पर पासवर्ड डालने और इसके बाद में ये कैप्चा यहाँ पर डाल करके और यहाँ पर आपको लॉगिन होने के बाद में साथियों आपके सामने कुछ इस प्रकार का होम पेज खुलकर आएगा जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। इस होम पेज में यहाँ पर आपको सबसे बीच में जो दिख रहा है बटन SIPF का, इस SIPF टैब के ऊपर आपको क्लिक करना है, क्योंकि आपको SI स्लैब के अंतर्गत बदलाव करना है इसलिए आप इस SIPF टैब पर क्लिक करें। आप यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे इसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलकर सामने आ जाएगा। अब यहां पर आपको जो ये ट्रांजैक्शन दिख रहा है इस ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करना है, क्योंकि इस ट्रांजैक्शन में ही हमारे वो सारे टैब हैं जो जिसके अंतर्गत हमें बदलाव करना है। आप जैसे इस ट्रांजैक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद में साथियों आपके सामने कुछ इस प्रकार के काफ़ी टैब खुलकर आ जाएंगे। इनमें से आपको चूज करना है एसआई फर्दर कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि हम सबसे पहले साथियों आपको बता रहे हैं उन साथियों को जिनकी पहले से एसआई कटौती हो रही है उनको यहां पर हम बताने वाले हैं एसआई फर्दर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। जिन साथियों का पहली बार प्रोविजन कंप्लीट होने के बाद में फर्स्ट डिक्लेरेशन करना है उनके भी यहां इस फर्दर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर एक बटन होगा जिसका नाम होगा एसआई फर्स्ट डिक्लेरेशन। जो साथी फर्स्ट डिक्लेरेशन कर चुके हैं उनका फर्स्ट डिक्लेरेशन बटन नहीं होता है, तो जो फर्स्ट में करने वाले हैं वो फर्स्ट डिक्लेरेशन पर क्लिक करें, और जिनका पहले से ऑलरेडी एसआई कटौती हो रही वो इस एसआई फर्दर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर क्लिक करें। इसके बाद में जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की विंडो खुल करके आ जाएगी। साथियों जो साथी फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो पहले समझें, क्योंकि फर्दर कॉन्ट्रैक्ट वाले पहले से ही अपनी जो डेटा है वो कर चुके हैं, क्योंकि उनकी पहले से कोई ना कोई कटौती हो रही होगी जिस प्रकार से यहाँ 1300 प्रीमियम पहले से ऑलरेडी चल रहा था। तो आप अपनी ये डिटेल एक बार चेक कर लें, ये डिटेल ऑटो फील्ड आपके सामने आ जाएंगी जिसमें आपका जेंडर, एप्लीकेशन, एम्प्लॉय आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारे डाटा आपके सामने आ जाएगा। आपका DDO कहाँ है, इंक्रीमेंट डेट, ये सभी आ जाएगी। आपको इनमें कुछ भी नहीं करना है साथियों। जो साथी फर्दर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उनको फ़िलहाल बताया जा रहा है कि फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करने वाले जो साथी हैं उनको बस यहाँ आ जाना है सीधा। आप एक बार अच्छी तरह से देख लें जिन साथियों को अपना फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करना है वो सीधा या इस टैब में आ जाए, परपज प्रीमियम अमाउंट, इसके ऊपर आ जाए सीधा। और इस पर आकर के आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो साथियों आपके सामने कुछ इस प्रकार की जो स्लेब है वो खुल करके आ जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको ये डिटेल जूम करके भी दिखाया जा रहा है कि आपके सामने इस प्रकार की डिटेल खुलकर आएगी। जैसे ही आप इस परपज प्रीमियम पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये प्रीमियम की डिटेल खुल करके आ जाएंगी। आप देख सकते हैं
आपकी जो बेसिक है उस बेसिक के अकॉर्डिंग ये प्लीज़ सेलेक्ट में आपको 3,000, 5,000 और 7,000 आपका बेसिक यदि अलग है तो आपके सामने भी इस प्रकार के ऑप्शन आ जाएंगे। इसका अर्थ ये आप समझे, यहाँ पर इसका सीधा सर्थ है 3,000 आपकी मिनिमम है, इसको तो चूज करना ही करना है। इसके अलावा 5,000 आपकी मीडियम स्लैब है और 7,000 आपकी मैक्सिमम, अर्थात इनमें से कोई भी एक स्लैब आप चूज कर सकते हैं। इसके बाद में साथियों आप जैसे ही एक स्लैब को चूज कर लेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। आप अच्छी तरह से समझें, जैसे ही इनमें से एक स्लैब को आप चूज कर लेंगे तो आपके सामने यहाँ पर जो परपज प्रीमियम अमाउंट है, ये परपज प्रीमियम अमाउंट में 3,000 सेलेक्ट किया है तो 3,000 आ जाएगा, और इसके अलावा आपने 5,000, 7,000 सेलेक्ट किया तो वह। अब इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस चेकबॉक्स में आपको सही का टिक मार्क कर देना है, इसके बाद में आपको सीधा यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। ये हम बता रहे हैं उन साथियों के लिए जो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, तो यहाँ पर आपको सीधा सबमिट बटन पर क्लिक कर देना। इसके बाद में एक पॉपअप विंडो यहाँ पर खुलकर आएगी, उस पॉपअप विंडो में आपको चेकबॉक्स करके यस करके ओके कर देना है। जैसे ही यहाँ पर आप ओके कर देंगे इसके बाद में अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सीधा इस प्रकार का होम पेज पर आ जाना है। आपको वहीं पर जो आपने फर्दर कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट सबमिट किया था वहाँ पर सीधा ऊपर जो होम बटन है इस पर क्लिक कर देना है। होम बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने इस प्रकार का होम पेज खुलकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको इस माई ट्रांजेक्शन पर चले जाना है। साथियों ध्यान रखना इस ट्रांजेक्शन पर नहीं आना है, आपको इस यहाँ पर ये जो दिख रहा है इस माई ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करना है। आप जैसे इस माई ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको जो नीचे ही नीचे आपका जो ऐसा ही आपने लेस्ट टेस्ट में किया है वो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट दिख जाएगा और वो दिखेगा इस प्रकार से पेंडिंग विथ DDO। इसमें आपको ये प्रिंट के बटन पर क्लिक करना। आप जैसे ही इस प्रिंट के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका जो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट है उसका फॉर्म निकल के आ जाएगा, जिसको आप PDF में सेव या डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल करके आप अपने DDO को सौंप दें। अब बात कर लेते हैं उन साथियों की जिनका पहले पर प्रोबेशन पूरा होने के बाद में SI कटौती करनी है, उनको यहाँ पर फर्दर कॉन्ट्रैक्ट की जगह साथियों फर्स्ट डिक्लेरेशन मिलेगा। आपको यहाँ पर उस फर्स्ट डिक्लेरेशन के ऊपर क्लिक कर देना है। आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे इसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके और आ जाएगा। साथियों आपकी कंप्लीट डिटेल जो की त्यों दिखाई देंगी, बस आपको एक चीज़ देखनी है, यहाँ पर नीचे नीचे एक ऑप्शन होगा आपका, वो होगा SI नंबर का। उस SI नंबर को आपको खाली छोड़ देना है क्योंकि अभी आपके SI नंबर अलॉट नहीं हुए हैं। बस आपको अपनी ये जो डिटेल है एक बार बहुत सावधानी से चेक करनी है क्योंकि ये आपका फर्स्ट डिक्लेरेशन हो रहा है। तो साथियों आप अपने कंप्लीट एम्प्लॉय ID और अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो अपॉइंटमेंट डेट है इसको अच्छी तरह से चेक कर लें, क्योंकि ये डेट एक बार सबमिट होगी तो फिर इसमें बदलाव नहीं होगा। यदि इसमें कोई त्रुटि है तो इसको आप सेल्फ अपने स्तर पर संशोधित करें, अन्यथा जो एम्प्लॉय ID और नेम है इसको DDO स्तर से आप सुधरवाएं, इसके बाद ही आपको सबमिट करना है। यदि चेक करने के बाद में आपकी सारी डिटेल सही है, बस आपका एक काम बचता है, वो ये बचता है कि आपको इस प्रीमियम को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपके बेसिक के अनुसार जैसे इस प्लीज सेलेक्ट पर आप क्लिक करेंगे तो आपको अपने बेसिक के अनुसार अपनी स्लैब दिखाई दे जाएगी। इस पर आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपनी बेसिक के अकॉर्डिंग एक स्लैब को चूज यहाँ से कर लेना है। इसके बाद में SI नंबर को यहाँ पे साथियों खाली छोड़ देना है और जैसे ही आप सावधानी पूर्वक सारी डिटेल चेक कर लें इसके बाद चेक बॉक्स में चेक निशान सही करके और आप यहाँ पर सबमिट कर दें। इसके बाद में साथियों आप जैसे ही सबमिट कर देंगे तो आप अपनी डिटेल एक बार पुनः चेक कर लें और जैसे ही सबमिट हो जाए इसके बाद में आपको पॉपअप विंडो में चेक बॉक्स करके और सही का निशान दिखाई दे जाएगा। इसके बाद में आपको क्या करना है साथियों, अब आपको लेना है इसका प्रिंट। इसके लिए अब आप यहाँ को इस होम बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। आप जैसे ही इस होम बटन के ऊपर साथियों क्लिक करेंगे इसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का होम इंटरफेस दिखाई दे जाएगा। इस होम इंटरफेस में साथियों आपको यहाँ पर माई ट्रांजेक्शन, ये आप देख सकते हैं ये होम आपका इंटरफेस है। इस होम इंटरफेस के अंतर्गत आपको यहाँ नीचे नीचे माई ट्रांजेक्शन उसी प्रकार से दिखाई देगा। आप जैसे इस माई ट्रांजेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस खुल करके आएगा। वहाँ पर आपको नीचे नीचे अपने यहाँ पर जो SI है उस पर SI फर्दर कॉन्ट्रैक्ट या SI फर्स्ट प्रीमियम फर्स्ट डिक्लेरेशन मिल जाएगा और उसको आप यहाँ प्रिंट बटन से क्लिक करके और प्रिंट लेकर के अपने DDO को जमा करा देना है। तो साथियों आज की वीडियो में हमने ये विस्तार से चर्चा की जिसमें हमने आपको बताया SI फर्दर कॉन्ट्रैक्ट और फर्स्ट डिक्लेरेशन के विषय में। फिर भी आपको इस संबंध में किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इसी के साथ में आप अपनी
टीचर्स रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और इसके लिए आप लगातार हमारी अपडेट्स प्राप्त करें, इसके लिए हमारे इस ज्ञानधारा अरसोली चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप जैसे ही प्रेस कर लेंगे तो हमारे द्वारा इससे रिलेटेड जो भी आपकी नवीनतम अपडेट्स हैं वो सबसे पहले आप तक पहुँचती रहेंगी। आज की वीडियो में साथियों बस इतना ही, नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानधारा अरसोली चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले।